पपी दिखाए जाएंगे और पपी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, वो भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे। तो हमारे साथ जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि भैया कहाँ से आए हुए, और अभी समय जो हो रहा है 7 बज रहे हैं। कैसे आगे पे सबके बारे में कैसे पता चला भैया? यूट्यूब पे देख रहे थे, शॉर्ट्स में वीडियो में देखे आपका, तो उसके बाद कॉन्टेक्ट किया आपसे। और ये जो डॉग होता है बहुत सर्वाइवल डॉग होता है, और डॉग में सबसे सस्ता बोला जाए। हाँ अच्छा, अगर कोई अगर मेरा फ्रेंड को अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं भैया के बारे में बताऊंगा और सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में सारे कुछ अवेलेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे यहाँ हॉस्टलिंग की भी व्यवस्था है, जिन लोगों को लगता है पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना हो 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, तो हमारे यहाँ आप आकर। हेलो दोस्तों, मैं आर्यन आर्यन पेट शॉप से, और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। उस वीडियो में आप लोग को इंडियन स्पिट्स के पपी दिखाए जाएंगे, और पपी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं, वो भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे। तो हमारे साथ जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि भैया कहाँ से आए हुए, और अभी समय जो हो रहा है 7 बज रहे हैं, 7 बजे मॉर्निंग है, सुबह का टाइम है, और भैया सुबह सुबह आए, ऐसे रात में ही आए थे डॉग लेने, तो रात में क्या हुआ कि काफ़ी रात होने के कारण भैया को डॉग नहीं दे पाए हम। फिर मैंने इनको बोला कि भैया मॉर्निंग में ही आ जाइए, क्योंकि रात में आप लेकर जाएंगे प्रॉब्लम होगा, इस कारण से भैया सुबह में आए। तो आइए पहले भैया से हम बात करेंगे। तो नमस्कार भैया, हमारे पेट शॉप में आपका स्वागत है जी। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम चंदन कुमार है। कहाँ से भैया? अब मैं सर आने वाले तो बिहार से रिश्ते हैं, लेकिन अभी करंटली रहते हैं यहीं पर मीठापुर में। मीठापुर में तो कैसे आर्यन पेट शॉप के बारे में कैसे पता चला भैया? वो यूट्यूब पे देख रहे थे, शॉर्ट्स में वीडियो में देखे आपका, तो उसके बाद कॉन्टेक्ट किया आपसे। क्या वीडियो शॉर्ट में क्या था? शॉर्ट्स वीडियो था वही, मतलब पटना में कहाँ कहाँ मतलब डॉग मिलते हैं, तो आपका नाम था उसमें, तो मैंने नंबर वहाँ से निकाला, फिर आपको कॉल किया। अच्छा, आपको लगा कि यहाँ पे अच्छा ब्रीड मिल रहा है। एक भैया और है, कहाँ से भैया? साथ में है। साथ में, क्या नाम है? कृष्णा। कैसा लगा भैया ब्रीड, जो आपने ब्रीड देखा? ठीक है, सही है, पहले से भी था मेरे पास, पहले से तो मेरे को लगाए थे। चलिए, क्योंकि भैया को जो ब्रीड दिया जा रहा है, पहले तो हम आपको लोगों को, आप लोग जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको क्वालिटी कैसा लग रहा है वो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये जो डॉग होता है बहुत सर्वाइवल डॉग होता है, और डॉग में सबसे सस्ता बोला जाए, सबसे कम रेट का यही डॉग होता है, और हर घर में आपको देखने को मिलता होगा। और इंडियन स्पिट्स की खासियत कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा खर्च भी इसमें नहीं लगता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 रुपये हर पर मंथ खर्च करेंगे, बहुत आराम से रह जाएगा, उससे ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो भैया के साथ क्या क्या जा रहा है वो भी हम पूछेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि भैया डॉग तो बहुत सारे, इनको इंडियन स्पिट से क्यों पसंद आया है ना? लो मेंटेनेंस है, प्लस आराम से घर में सरवाइव कर लेता है, इसीलिए ज़्यादा बजट भी नहीं लगता है इसमें, और बाकी खूबसूरत भी लगता है। खूबसूरत भी है, कलर भी इसका वाइट होता है, तो ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं ना, सब ज़्यादा बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इंडियन स्पिट्स को, और इनके अभी इनके बच्चे ही पसंद करते हैं। बच्चे के लिए ले रहा हूँ। बच्चा परेशान करके रखा है, क्या परेशान किया भाई, थोड़ा बताइए। डॉग के बारे में उसको बताया, बोला कब ला रहे कब ला रहे। खाने पीने अच्छे से बच्चा खा रहा है कि डॉग की जल्द भूखे? नहीं नहीं, खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जनरली क्या होता है ना, छोटे बच्चे किसी बात को अगर जीत कर लेते तो वो कंटिन्यूसली वही रहती है, वो चेंज नहीं होगी जब तक कि उसका। जब फोन करते तो वो कुत्ते के बारे में पूछता है कब आ रहा पापा लेके, कब आ रहा। चलिए, एक बात आप लोग को बता दें कि डॉग जब आप लोग लेते हैं छोटा पपी, तो बार बार उसको गोद में ना लें, है ना, बार बार गोद में रखने में गिलटावन हो जाता है, बच्चे का पेट दबाता है, पेट दबाने के कारण वो खाना अच्छे से नहीं कर पाएगा, डाइट नहीं ले पाएगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो। तो चलिए पहले हम आपको वो पपी दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का ब्रीड जो भैया के साथ जा रहा है बिहार शरीफ। ये इंडियन स्पिट्स के पपी है, ओनली 45 डेज। क्वालिटी आप देख सकते हैं, पूरा पंच फेस में है, और देखिए चलिए भैया को देते हैं, और भैया तो फिर से जानेंगे भैया कैसा लगा। वीडियो में जो दिखाया गया था सेम बच्चा है या अलग है? बच्चा सेम।
वो हमारे व्यूअर को बताइए, जो वीडियो में आपको बच्चा दिया गया था सेम दिख रहा है या अलग है? नहीं नहीं अलग नहीं है, बच्चा सेम है। या वीडियो से आपको अलग दिख रहा है? नहीं, वीडियो में जो दिखा उससे ज्यादा हैप्पी है। सही है, बच्चा मुझे सही लगा। और कुछ भैया इसके बारे में कुछ बताइए? नहीं और सब तो ठीक है। कैसे इसको कहाँ पे रखेंगे भैया? घर पे रखेंगे। घर जैसे 1 BHK 2 BHK या फिर? नहीं मेरा अपना घर है, अपना घर है और फर्स्ट फ्लोर पे रहेगा। अच्छा, देखिए हमारे व्यूअर जो भी देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे वैसे सब कुछ। उनको मैं सबसे पहले बता दूँ कि डॉग आप जो भी खरीदते हैं ना ज्यादा ज्यादा उसको खोल के रखेंगे तो डॉग के लिए अच्छा है ना। अभी इसको बांध के रखना, बांध के रखेंगे। आप देख सकते हैं डॉग की कितनी अच्छी क्वालिटी है, इंडियन स्पिट्स में यही देखा जाता है। और 45 डेज का है, लग नहीं रहा, लग रहा है कम से कम 2 मंथ का है। तो ब्रीड आप जैसे उसको रखेंगे, जिस टाइप से खिलाएंगे, ब्रीड आपका उस टाइप से तैयार होगा, है ना। कुछ लोगों ने कहना भैया दूध रोटी खिलाएंगे, तो भैया आप खुद से खिलाइए ना भैया, आप डॉक्टर खुद बने हुए हैं। तो डॉग को तो कभी दूध रोटी खिलाना नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा आप सेरेलेक्स दे सकते हैं, इसका जो स्टार्टर फूड होता है डॉग का, वो आप दे सकते हैं। अपना मन से करेंगे भैया तो उसके बाद आप हमको कॉल मत कीजिएगा, अच्छा यही होगा, है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि दूध रोटी खिलाएंगे जल्दी मोटा हो जाएगा, तो पिला दीजिए भैया 1 दिन में 10 kg, है ना, जल्दी मोटा हो जाएगा। तो चलिए भैया के साथ जो जा रहा है वो हम आपको दिखाए थे। ये रहा लीवर टॉनिक, ये लीवर टॉनिक कैसे देना है, 1 ml देना है इनको, एवरीडे देना है। कोशिश कीजिए अगर खाने में मिला के दे दे, अगर खा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से पंच करेंगे। ये इसका जबड़ा है, आप लोग भी देख लें, ये इसका जबड़ा है, यहाँ से सीधा आप स्लाइन डालेंगे, स्लाइन डाल के आप दे सकते हैं। और मुंह ऊपर की ओर रखेंगे, नीचे नहीं करेंगे, तो सब दवा गिरा देगा, ठीक है। तो ये रहा, और ये रहा वोरेक्स, जो पेट का कीड़ा का दवा है, जो हर वीडियो में हम कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ आप ले ना ले लेकिन पेट का कीड़ा का दवा ले, ये हर 15-15 दिन पे एक बार देना होता है, 1 time, समझ रहे हैं भैया, हर 15 दिन पे एक बार देना है, ठीक है। टैबलेट और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेट का कीड़ा का दवा नहीं देते, तो डॉग क्या करता है, पॉटी करेगा, अपना पॉटी खुद खाने लगेगा, है ना। फिर क्या होगा, घास खाने लगेगा, मिट्टी खाने लगेगा, आप लोगों को समझ में तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब है जो डॉग का जो बना हुआ सिस्टम, जो उसका हर चीज़ जो उसकी नीड है वो कम से कम पूरा कीजिए, नहीं तो डॉग मत रखिए, अच्छा यही होगा। तो ये आपको देना है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि 1 ml आपको देना है 15-15 दिन पे, कि दिक्कत ना। यहाँ पे ड्रॉप भी डाला हुआ है, ठीक है। अब ये ड्रॉप का इस्तेमाल कैसे है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये ड्रॉप है, इसमें दिया हुआ है 1 ml तक, यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि 1 ml लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट आप एक बार में ये पूरा 1 ml पूरा भर कर लेंगे, और भर के लेने के बाद ये जबड़ा खोले आराम से, जबड़ा के पास पकड़ेंगे अपने आप खुल जाएगा, इसमें ताकत नहीं लगाना है, ठीक है। ये खोले और इसको आराम से साइड में से डाल दिए और पंच कर दिए, देख रहे हैं आप लोग भी, और ऊपर ही मुंह रखेंगे जब तक ये दवा अच्छे से प्रॉपर ना ले लें, ठीक है। मेरा काम है कस्टमर को समझाना, और जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं उनको भी समझना है। सेल तो सब लोग करते हैं, लेकिन समझ में तो आना चाहिए ना कि कैसे बच्चों को देना है। आप गलत तरीके से देंगे, इसका मसूड़ा छिला जाएगा, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आपको होगा, है ना। निकेल में कहीं ना कहीं दांत में प्रॉब्लम आ जाएगा, इसके जबड़े में दिक्कत आ जाए, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो बच्चे को अच्छे से प्यार से दीजिए, है ना। तो ये ना पेट का कीड़ा दवा, ये लास्ट जो है ये गटवेल है, ये गैस का पाउडर है, जो कि आपको आधे चम्मच देना है खाने मिलाकर, 1 day में 1 time, है ना, एवरी डे देना है, लेकिन 1 day में 1 time देना है। ऐसा नहीं कि जब भी हम खाना दें मिला कर दें, एक दिन में एक बार। और कितना देना है? आधा चम्मच देना है, 1.5 चम्मच डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है, ठीक। और ये दवा 1 महीना चल जाएगा लगभग, आराम से। तो ये रहा भैया के साथ। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, बच्चे की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और हमारे पास मेल फीमेल दोनों अवेलेबल है, और रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा हमारे यहाँ। आप लोगों ने सब कुछ समझा, और डाइट से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को बताया, और ये चीज़ पे आप लोग पूरा फोकस करेंगे। पेट का कीड़ा का दवा हम टाइम टू टाइम हर 15 दिन पे देंगे, उसका मल्टीविटामिन है 1 ml देंगे, लीवर टॉनिक है 1 ml देंगे। इस तरीके से बच्चे को आप तैयार करें, कम से कम तो मैं यही कहूँगा 6 months से लेकर 1 year तक, इतना दिन तक आप बच्चे का दवा चलाएं। उसके बाद आप क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप लोग कहते हैं हम अपने से खिलाएंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये मेरा कहना है कि 6 से 1 साल तक कम से कम जो आपको दिया जाता है वो आप प्रॉपर चलाइए, जिससे बच्चे का सब चीज़ ग्रोथ अच्छा हो, बोन्स वगैरह स्ट्रांग हो, है ना, बच्चा आपका खूबसूरत दिखे।
तो चलिए भैया, और लास्ट टाइम यही पूछना चाहेंगे हमारे पेट सब, तो किसी को लेना हो क्या कहेंगे? हाँ, सजेस्ट करेंगे लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राइस में सब कुछ अवेलेबल। हाँ अच्छा, अगर कोई अगर मेरा फ्रेंड को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भैया के बारे में बताऊँगा और सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में सारे कुछ अवेलेबल है। और कैसा रहा रिलेशन, कैसा रहा? हाँ अच्छा रहा, अच्छा रहा। दिया गया और भी दूसरे जगह से मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो को आप लोग पाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारे यहाँ हॉस्टलिंग की भी व्यवस्था है, जिन लोगों को लगता है पार्टी फंक्शन कहीं भी जाना हो 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए, तो हमारे यहाँ आप आकर प्लेसेस देख सकते हैं कि कैसा जगह है, कहाँ पे डॉग रखा जाएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे को खाना भी बहुत अच्छे से दिया जाता है, 3 टाइम खाना है और बच्चे पे पूरा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। सुबह शाम उसको मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए लेके जाया जाता है, ठीक है। और हमारे यहाँ झारखंड और बिहार एंड झारखंड दोनों जगह डिलीवरी की व्यवस्था है, और बिहार कहीं पर भी आप चाहें, जो लोग असक्षम है, जो लोग आ नहीं सकते हमारे पेट शॉप तक, उन लोगों तक हमारा डॉग पहुँच जाएगा, सेम डे आपको डिलीवर दिया जाएगा। कोई भी डॉग हो आप बिल्कुल कॉल करें हमारे नंबर पे, सुविधाएं दी जाएगी। और किसी बीमारी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप लोग नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा होगा, कॉल करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा, या पैसे की कोई बात नहीं है। अगर मेरे बताने से अगर आपका डॉग बच जाता है तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए, ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।